क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन उसके पास है कि उसको अपनी कैश पोजीशन को अपनी कैश लिक्विडिटी को बेहतर करना है किस तरीके से रिटेलर यह काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी प्राइसिस के ऊपर प्रोडक्ट को ऑफर करके कस्टमर को ही कैन जनरेट मोर कैश डिस्काउंट देके प्रमोशंस लॉन्च करके ही कैन जनरेट मोर कैश और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिसमें ही कैन जनरेट कैश और अपनी कैश पोजीशन को बेहतर कर सकता है सो दिस इज वन ऑफ ऑप्शंस। जिस तरह से अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस के जो कि सिर्फ कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर चल रहे हैं ये वो बिजनेसेस हैं जो कि एम टू हैव द स्ट्रांग कैश पोजिशन इन द बिजनेस वो क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट बिजनेस से काफी हद तक दूर है डिस्पाइट द फैक्ट के ऑल ये सारी फैसिलिटीज कस्टमर अवेल करना चाहता है लेकिन दे आर क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव अबाउट देयर ऑप्शन कि उनको क्या चाहिए आज के दिन में उनके पास कैश रिच कंपनी है और दे आर कैश पुअर कंपनी तो टारगेट यही है एक रिटेलर के पास कि वो नॉर्मली एक अच्छी कैश पोजिशन को जनरेट करे अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कशन करने के लायक है नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं कैश पोजीशन को बेहतरी या इम्प्रूव करने के हवाले से सो so कंपनी के हमेशा प्लान ये होता है कि ही शुड नॉट कीप स्टॉक इन्वेंट्री अपने पैसों के ऊपर विच मीन्स अगर वो सप्लायर से एक प्रोडक्ट को 40 डेज क्रेडिट के ऊपर बाय कर रही है सो so, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि वो उसको थर्टी डेज के अंदर सेल कर दे देस उसने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल नहीं की और उस पैसे को बहुत तेजी से उसने खुला किया उस पैसे को बहुत तेजी से उसने कैपिटलाइज किया यूटिलाइज किया और अपनी कैश को उसने पट्रांग किया दूसरी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है रीथिंकिंग एग्जिस्टिंग स्टोर फॉर्मेट्स विच मीन्स अगर आप देखें तो किसी भी कंपनी में रिटेलर के डिफरेंट स्टोर फॉर्मेट्स हैं वो एक लार्ज स्टोर भी है मीडियम स्टोर फॉर्मेट के साथ भी हैं, और एक स्मॉल फॉर्मेट स्टोर स्टोर्स भी हैं। लार्ज स्टोर्स कैन भी एक लाख स्क्र फिट से लेकर एंड अब और लाख डेढ़ लाख दो लाख स्क्वर फीट मीडियम कैन बी बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड टू सेवेंटी एटी थाउजेंड फीट और जो स्मॉलर है दे आर लेस देन लेट्स टू और लेस देन फीट इवन स्मॉलर के अंदर फॉर्मेट के अंदर आते हैं और इससे भी छोटे यूनिट स्मॉलर से भी ज्यादा उनको जेट फॉर्मेट कहा जाता है या इको फॉर्मेट कहा जाता है ये वो है जो कि लेस देन फाइव थाउजेंड फीट के ऊपर नॉर्मली मौजूद होते हैं सो वॉट ऑप्शन रिटेलर हैज टू थिंक डिपेंडिंग ऑन द फैट कि कहा पर मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है अगर उस पर्टिकुलर मार्केट की रिक्वायरमेंट एक लार्ज साइज स्टोर है तो ऑफकोर्स वहां पर एक लार्ज स्टोर एक लार्ज साइज स्टोर का होना जरूरी है लेकिन अगर उस मार्केट में रिक्वायरमेंट एक कन्वीनियंट स्टोर की है एक एंट्री लेवल स्टोर की है एक सेवन इलेवन टाइप स्टोर की है एक मिग्रोस जेट टाइप स्टोर की है एक बिम टाइप स्टोर की है तो यह एक यूटिलिटी स्टोर टाइप स्टोर की है तो वहां पर देर इज नो नीड कि आप एक लार्ज फॉर्मेट स्टोर के ऊपर जाएं या एक मीडियम फॉर्मेट स्टोर के ऊपर जाएं ये तो डिस्कशन आ गई है कि जब आप न्यू सिलेक्शन की तरफ जाते हैं नॉर्मली जब इकोनॉमिक डाउन टर्न वाली सिचुएशन नॉर्मली अगर क्रिएट हो तो बहुत सारे रिटेलर यह भी करते हैं कि दे मेजली थिंक ऑफ चेंजिंग द स्टोर फॉर्मेट साइज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फूड और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ नॉन फूड इस तरह वाला फॉर्मेट और मे बी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द स्टोर मे बी शिफ्टिंग द स्टोर फ्रॉम कैश एंड कैरी मॉडल टू डिलीवरी मॉडल फ्रंट एंड से स्टोर क्यों बोस्ट ऑफ द टाइम के ऊपर ऐसा किया जाता है कि लट से स्पेस को कट कर दिया जाता है और किसी और काम के लिए लट से फूड सर्विस के लिए और डिलीवरी सर्विस के लिए उसको यूज किया जाता है और वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सो दे नीड टू रियली थिंक कौन सा फॉर्मेट यूज करना है किस लिए करना है किस तरह के कस्टमर के लिए करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक फिट के तौर पे यूज हो सके इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर तीसरी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हमारे पास है दैट यू नीड टू ओपन द स्टोर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि जहां पर कस्टमर का बाइंग ट्रेंड इवन इन द नाइट के अंदर इन द इवनिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे कस्टमर प्रेफर करता है डे के अंदर बाय करना तो स्टोर्स इट दे रियली नीड टू थिंक ऑफ कि उन्हें कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है और जब वो चाहते हैं कि वो मार्केट को कैप्चर करें करेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रशियन मार्केट तो वहां पर 24 फोर आवर्स स्टोर बहुत ज्यादा मौजूद हैं पाकिस्तान की के अंदर अगर बात करते हैं तो लेट्स से फार्मास्यूटिकल रिटेलर जो है ऑफकोर्स ट्वेंटी फोर बाय सेवन की फैसिलिटी ऑफर कर रहा है तो डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द बिजनेस ऑल्सो एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस ऑल्सो और डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑल्सो आप डिसाइड करते हैं डिजाइन करते हैं और उस स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं फोर्थ हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मौजूद है दैट यू बिगिन हॉलीडे सीजन अर्लियर विच मीन्स के आपके पास लट से अगर ईद की हॉलीडेज है सो so यस yes, आप उस ईद की सेलिब्रेशन यू स्टार्ट लेट से अ वीक अहेड और थ्री फोर डेज अहेड अगर रमजान की बिगनिंग आ रही है रमजान स्टार्ट होने वाला है इट्स नॉट हॉलीडे लेकिन अगेन ये एक सीजनेलिटी का फैक्टर है तो अगेन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन और यू कैन स्टार्ट इंक्रीज दैट द टन्यूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजन वन मंथ और फिफ्टीन डेज और वन वीक अर्लियर जिससे होगा ये जब आप उस सीजन को इंक्रीज करेंगे यू कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड यू कैन जनरेट मोर बिजनेस आउट ऑफ इट लास्ट हमारे पास पॉइंट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट यू नीड टू री इंट्रोड्यूस लेवे प्लान बहुत सारी जगह के ऊपर ऐसा होता है स्पेशली जहां पर अगर इकोनॉमिक डिस्टर्ब हो वहां पर ऐसा होता है कस्टमर के पास एक टाइम के ऊपर दे डोंट हैव एन एफ मनी सो मे बी कस्टमर कैन बुक दी किसी एक छोटी सी टोकन मनी को देकर सो दैट इज नॉर्मली अ लेवे प्लान सो so, इस तरह के केसेस के अंदर रिटेलर जब वो इन प्लान कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके पास आए वो ये ऑप्शन जरूर दे सकता है और नॉर्मली देता भी है दैट यू कैन बुक योर प्रोडक्ट बाय पेइंग लेट्स से टेन परसेंट एंड दैट दैट इज योर प्रोडक्ट नाउ यू विल टेक दैट प्रोडक्ट जब आप उसकी हंड्रेड पेमेंट कर देंगे लेकिन इन जनरल जब आपने उसका कुछ प्रोडक्ट के कुछ प्राइस पे कर दी है अपनी प्रोडक्ट रिजर्व करवा दी है तो देन दैट इज योर प्रोडक्ट इस तरह इंकरेज करने से कस्टमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ आता है नॉर्मली इन जनरल एग्जाम्पल के अंदर अदर देन द रिटेलर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी बिजनेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि जहां पर कस्टमर जो है वो एक्स परसेंटेज या एक्स वैल्यू को पे करके उसकी उसकी पोजेशन नहीं मिलती उसको लेकिन ये उसको बता दिया जाता है कि ये आपकी जगह है तो रिटेलर के अंदर भी रिटेल बिजनेस के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जहां पर एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है एक्स परसेंटेज या एक्स वैल्यू देकर और वो प्रोडक्ट उसके लिए रिजर्व कर दी जाती है तो ये नॉर्मली फाइव मेजर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं जो एक रिटेलर के पास है कि जब हम उसको बात करते हैं कि उसने अपनी स्ट्रेटेजी सेट करनी है उसने अपना आपको डिजाइन करना है स्पेशली अगर जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ है और इवन इकोनॉमी अगर अपवर्ड्स भी है और इकोनॉमी स्टेबल भी है सारे केसेस के अंदर दीज आर द फाइव मेजर स्टेप्स फाइव मेजर सिचुएशन जिसके ऊपर एक रिटेलर जो है वो प्लान करता है